मऊगंज जिले के नईगढ़ी स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में छात्राओं के स्वास्थ्य बिगड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर से 3 छात्राओं की तबीयत खराब हुई है, जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में भर्ती करवाया गया है, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया। मामले की जानकारी लगते ही मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भी निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नईगढ़ी स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास का निरीक्षण किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने सभी विभाग की आवश्यक बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिन पहले भी 1 दर्जन के लगभग छात्राओं की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें रीवा के लिए रेफर किया गया था और आज फिर से 3 छात्राओं की तबीयत खराब हुई है, जिनमें रुचि साकेत पिता अमृतलाल साकेत उम्र 16 वर्ष, शिवानी विश्वकर्मा पिता राजमन विश्वकर्मा उम्र 14 वर्ष, आंचल साकेत पिता राकेश साकेत उम्र 15 वर्ष को नईगढ़ी के चिकित्सकों द्वारा रीवा के लिए रेफर किया गया है। रविवार को मेडिकल टीम द्वारा छात्रावास में रहने वाली छात्राओं का मेडिकल परीक्षण किया गया था, जिनमें से ज़्यादातर छात्राओं के शरीर में खून की कमी पाई गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष स्वयं विधायक है, वहाँ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। सरकार के द्वारा छात्रावास में पौष्टिक आहार देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन इन्हें मिलने वाला पोषण आहार कौन खा रहा है, यह बड़ा सवाल है। छात्राओं के परिजनों ने भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। और